अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, उससे मेरी वीडियो की सारी अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ट्विंस फूडीज़ में। मैं हूँ प्रीति सहदेव। आज हम बनाने जा रहे हैं फलाफल पीटा पॉकेट। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, ये प्रोटीन रिच डाइट है। इस रेसिपी को लोग बहुत पसंद करते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। ये हमने आधा किलो चने रात को भिगो के रखे थे। एक बाउल में हमने मैदा लिया, एक बड़ी प्याज काटी है, और ये मूली और चकुंदर और लाल मूली उसको हमने काट के पीसेस करके सिरके में नमक लगा के रखा था। 4 घंटे बाद उसका कलर आया है। थोड़ा सा लहसुन लिया, हरा धनिया लिया, नमक, लाल मिर्च, और ये पीटा ब्रेड लिया है। अब इसका फलाफल रैप बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल लिया है। सबसे पहले हमने ये भीगे हुए चने मिक्सी में डालेंगे। लहसुन डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, नमक डाल देंगे, लाल मिर्च डाल देंगे, ये धनिया डाल देंगे। इसको हम ग्राइंड करेंगे। चने ग्राइंड कर लिए, अब हम इस बाउल में डालेंगे। इसमें थोड़ा सा हम मैदा मिक्स करेंगे जिससे ये चने पकड़ में आ जाए। 2-3 चम्मच हम मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स कर देंगे। अब इसका हम फलाफल बनाएंगे। हम ऐसे पेस्ट के ऐसे गोल कर लेंगे और इसको डीप फ्राई करेंगे। ऐसे डीप फ्राई करेंगे। इसको आराम से पलटा देंगे। इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसको हम सिम पे ही सेकेंगे जो कि अंदर से भी पक जाए। ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। सबसे पहले हमने पीटा ब्रेड लिए, इसके अंदर हम ये हमस लगाएंगे। लगा लेंगे। थोड़ा सा प्याज लगा लेंगे, थोड़ा सा टमाटर लगा लेंगे, शिमला मिर्च लगा लेंगे। ये हमारा फलाफल रैप तैयार है, अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। इसके पहले हमने हंग कर्ड की रेसिपी डाली थी, वो भी हम इसके अंदर लगा सकते हैं, इसके साथ सर्व कर सकते हैं।